आज मैं आपके लिए पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीकों से। अगर आप बिगनर हैं और आपको ये काम बहुत ही तामझाम वाला लगता है और बहुत ही मुश्किल लगता है तो मेरे इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाइएगा। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने बताई हैं जो होम बेकर हैं यानी कि जो बिगनर हैं वो इसे आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी मेहनत के झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत ही डिलीशियस है ये हमारी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ सबसे पहले हमने केक टिन लिया है, तो केक टिन मैंने स्क्वायर शेप का लिया है क्योंकि हम पेस्ट्री बना रहे हैं। तो देखिए मैंने बटर पेपर ले लिया है, बेकिंग पेपर, और उसे मैंने यहाँ पे रख दिया। ग्रीस करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप ग्रीस भी कर लें। साथ में मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे ढक दिया है। लगभग हम लो फ्लेम पे इसे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। दूसरे बॉल में हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा कप दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे, और साथ में यहाँ पे 1 टीस्पून हम ले लेते हैं विनेगर, और इसे हम मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देते हैं ताकि थोड़ा सा ये कर्डल हो जाए, यानी बटर मिल्क हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा 5 मिनट में। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी दूध में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, फिर से इसे हम मिक्स कर देते हैं और अच्छी तरह से कर्डल दूध हमारा हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप पीसी हुई चीनी। जी हाँ, पीसी हुई चीनी ही आपको ऐड करनी है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डालते हैं चीनी को तो उसको घुलने में यहाँ पे टाइम लगती है। बस इसे भी यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं ये रेसिपी को आपको बता रही हूँ और बहुत ही परफेक्ट और अच्छी बनेगी। साथ में यहाँ 1/4 हम ले लेते हैं ऑयल, यानी कि कोई भी अनफ्लेवर ऑयल यहाँ पे आप ले लें। 1/4 में लगभग 4 से 5 चम्मच यहाँ पे ऑयल आ जाते हैं। चलिए इसे भी हमने मिक्स कर दिया। साथ में यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम वेनीला एसेंस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून वेनीला एसेंस डाल लिया है हमने छोटे चम्मच से, और इसे भी यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, तो एक छन्नी यहाँ पे रख दिया है। इसके ऊपर हम 1 कप मैदा ले लेते हैं, ये 250 ml का मेजरमेंट है। साथ में यहाँ पे 3 टीस्पून यहाँ पे हम ले लेते हैं कोको पाउडर, क्योंकि हम ब्लैक फॉरेस्ट बना रहे हैं तो चॉकलेट वाला केक यहाँ पे हम बनाकर रेडी करेंगे। अगर वेनीला डाल रहे हैं तो आप कोको पाउडर स्किप करें। साथ में चुटकी भर हमने नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच यहाँ पे, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे और इसे लेवल करके अच्छे से लें। मेजरमेंट इसमें बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आपका केक भी ख़राब हो सकता है। बस इसे हम छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेते हैं। छानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स एक साथ मिलें। और देखिए इसे इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेता है करने लेना है, लंप फ्री यहाँ पे आपको मिक्स कर लें। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर हो जाए। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा दूध यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये परफेक्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो जाती है। चलिए इस केक टिन में हम डाल लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे बटर पेपर या बेकिंग पेपर नहीं है तो आप इसे हल्के से ऑयल से ग्रीस कर दें और थोड़ा सा डस्ट करके इसे एक्स्ट्रा डस्टिंग निकाल दें। तो देखिए सारे मिक्सचर को हमने यहाँ पे डाल लिया, इसे अच्छी तरह से टैप कर देते हैं ताकि एयर बबल इसमें ना रहे। तो चलिए इसे हम बेक कर लेते हैं। तो बेक हमने यहाँ पे कढ़ाई में करना है। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से प्री हीट कर लिया है। चलिए इसे अब हम ढक देते हैं। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से यहाँ पे लगभग 50 से 55 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे कुक होने में। तो देखिए लगभग 50 मिनट मुझे लगे और अच्छे से बेक हो गया। चाकू भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन निकला। और यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट लिया है यहाँ पर, इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह का शेविंग यहाँ पे आपको कट करके तैयार कर लेना। अगर आपका पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे डेरी मिल्क भी ले सकते हैं। साथ में इसे ठंडा जब हो जाए अच्छी तरह से, यानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए केक, तभी हम केक को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। और देखिए बटर पेपर भी कितनी आसानी से यहाँ पे निकल आता और बहुत ही केक हमारा फ्लफी और सॉफ्ट यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए ऊपर का जो लेयर है ना, बीच में मैंने थोड़ा सा ये कर दिया था तो थोड़ा सा वहाँ पे दब गया है। कोई बात नहीं, इसमें टेस्ट से कोई फर्क नहीं आने वाला। ऊपर का लेयर यहाँ पे हम यहाँ पे कट करके हटाएंगे क्योंकि इसकी हमने पेस्ट्री बनानी है। तो ऊपर का लेयर आपको बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस यहाँ पे रखना है, तो ऊपर का छोटा छोटा हटा दें यहाँ पे। और ये वेस्ट नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं, आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए स्मूथ यहाँ पे हमने कट कर लिया है, प्लेन कर लिया है, थोड़ा सा उठ गया था।
अब ये चाकू की सहायता से यहाँ पे मैं कट का निशान लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसे दो भागों में डिवाइड करूँगी। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा चाकू नहीं है तो आप कट का निशान लगा दे छोटे चाकू से और उसे धागे की सहायता से कट कर ले। मैं यहाँ बड़े चाकू था इसलिए मैंने बड़े चाकू से यहाँ पे कट कर लिया। तो देखिए दो भागों में डिवाइड किया है, कितने स्पंजी हमारे सॉफ्ट मुलायम हमारे यहाँ पे केक बन के तैयार होंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बॉल लिया, उसमें एक चम्मच हम पीसी भी चीनी ऐड करेंगे और थोड़े से पानी के साथ उसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। मैंने इसलिए तैयार किया है ताकि मैं केक को थोड़े से सॉफ्ट और मॉइस्ट रखना चाहती हूँ। जो भी ऊबर खाबड़ जो पोर्शन है ना उसे आपको नीचे रखना है और इस तरह से चीनी पानी का घोल इसके ऊपर से ब्रश कर दें अच्छी तरह से, सभी को चारों तरफ से लग दें ताकि सॉफ्ट और मॉइस्ट लगे। अब यहाँ पे हमने व्हीपिंग क्रीम लिया है, व्हीपिंग क्रीम को अच्छे से मैंने व्हीप कर लिया है पहले ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने। तो अच्छे से व्हीप कर लीजिए व्हीपिंग क्रीम को और इस तरह से इसके ऊपर से फैला दे क्रीम को। देखिए कितनी अच्छी तरह से एक मोटी लेयर आपको फैला देनी है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चेरी यहाँ पे डाल देनी है कट करके आपको, साथ में यहाँ पे चॉकलेट जो सेविंग है डार्क चॉकलेट उसे भी हम डाल देंगे। और इसके ऊपर देखिए मैंने इसके उल्टा करके नहीं डाला है, जिस तरफ से स्मूथ और चिकना है ना फ्लैट वही आपको यहाँ पे लगाना है। और इसके ऊपर से फिर से चीनी पानी का घोल लगा दें और फिर से व्हीपिंग क्रीम से इसे हम कवर कर देंगे। चारों तरफ से मैंने अच्छी तरह से यहाँ कवर कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से चेरी लेंगे और यहाँ पे डार्क चॉकलेट का सेविंग लेंगे और ये देखिए अब इसके चारों तरफ भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी टूल का यूज़ नहीं किया है और ये बहुत ही आसानी से और झटपट भी लग जाती है। और देखिए कोई भी आपके पास अगर कार्ड है तो उस कार्ड की सहायता से इसे हम फ्लैट या चिकना कर लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा जो क्रीम है वो इसमें आ जा रही है और बाकी की क्रीम इसी में लगी हुई है, तो एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कर ले थोड़ी सी क्रीम और लेंगे और इस चेरी और चॉकलेट को कवर कर देंगे यहाँ पर हम। बहुत ही आसानी से यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो जितना आप क्रीम खाना का पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे क्रीम का आप लेयर लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ी से स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे रखना चाहती हूँ इसलिए मैं इसे थोड़ी सी यहाँ पे प्लेन कर रही हूँ और एक्स्ट्रा क्रीम मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा क्रीम लगी रहेंगी तो वो फिर देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और साइड यह देखिए मैं क्लीन कर दे रही हूँ टिश्यू पेपर से और इसे मैं फ्रिज में लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है, उसके बाद फ्रिज से बाहर निकाले 10 मिनट के बाद और इसके ऊपर हम लगा देंगे चॉकलेट सेविंग जो हमने कट करके रखा है। चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से कवर कर दें। चारों कोनों पर हम यहाँ पे कवर कर देंगे, हाथों से नहीं लगाएं। अगर हाथों से लगाएंगे ना तो कभी कभी क्रीम भी हाथ में लग जाती, तो इस तरह से कार्ड के ऊपर यहाँ पे रख दे और इसे लगा लें। और पहले हम चाकू से यहाँ पे कट कर लेते हैं क्योंकि हमें पेस्ट्री के रूप में इसे बनाना है। तो देखिए कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं, एकदम मक्खन जैसे यहाँ पे हमारे पेस्ट्री कट जा रहे हैं। केक बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट है। अब इसके ऊपर से थोड़े से चॉकलेट सेविंग और हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो जितना आप चॉकलेट खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसे आप चॉकलेट से गार्निशिंग कर दें। अब मैं पाइपिंग बैग में नोजल डाल रही हूँ और इसे शेप दे रही हूँ, इस तरह का डिज़ाइन बना दे रही हूँ और इसके ऊपर हम रख देंगे चेरी। तो चेरी तो रखना बनता है क्योंकि बिना चेरी के हमारे ब्लैक फॉरेस्ट इनकम्प्लीट होंगे। तो लग रहे हैं ना दोस्तों बिल्कुल मार्केट वाले पेस्ट्री हमारे। आप इसे सिंपल स्क्वायर शेप देके चारों कोनों पे भी इस तरह से केक के रूप में बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया था। और देखिए सभी को और चॉकलेट से मैं थोड़ा सा सजा दूंगी, मुझे चॉकलेट की और कमी लग रही है क्योंकि चॉकलेट खाना किसे नहीं पसंद है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से चॉकलेट इसमें भर भर कर भी डाल सकते हैं, जितना चॉकलेट डालेंगे उतना खाने में मज़ा आएगा। और इसे मैं 10 मिनट के लिए और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको कट करती हूँ। तो देखिए मैंने तो पहले ही कट करके आपको दिखा दिया था, तो मैं दिखा रही हूँ कि अंदर का लेयर किस तरह से स्मूथ बना है और कितनी आसानी से एक लेयर में यहाँ पे सजी है हमारी पेस्ट्री। लग रही है ना कितनी स्मूथ
मॉइस्ट हमारी पेस्ट्री बनकर तैयार है। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, तो इस रेसिपी को फॉलो करें और इस तरह की चॉकलेट केक आप बनाकर तैयार करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।